आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर वस्त्र आदि धारण करके गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गौ माता जी के दर्शन करते हैं। गौ माता जी के दर्शन करके गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर, जहाँ पर गंगा मैया जी की पवित्र धारा बह रही है। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान करने के लिए गंगा मैया जी में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। फिर इसके बाद माता जी में डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना करके हम लोग निकल जाते हैं प्रयागराज संगम। प्रयागराज त्रिवेणी घाट की ओर निकल जाते हैं। तो जैसा कि फीवर था, इसलिए जो है थोड़ा बाइक की सहायता लेकर निकल जाते हैं घाट की ओर, नहीं तो थकावट बढ़ती तो बुखार और भी बढ़ जाते हैं, बाकी सभी कार्य रुक जाते हैं। तो प्रयागराज संगम पहुंचकर वहां पर हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। फिर इसके बाद करते हैं शंखनाद। इसके बाद हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद हम लोग करते हैं वीरासन का अभ्यास। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम लोग अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। जैसा कि जब हम लोग अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो थोड़ी समस्या होती है कि किस प्रकार से, कहां पर, कैसे लगाया जाए, क्योंकि संगम क्षेत्र पर लोग बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाए हुए हैं। तो सब कुछ देखते हुए हम लोगों को ध्वजारोहण करना पड़ता है और व्यायाम प्राणायाम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से एल्बोली पर लगाते हैं तीन उंगली पर, और इसी के साथ स्ट्रेचिंग पूरी करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। और व्यायाम की शुरुआत करते हैं साधारण सपाट से। इसके बाद हम लोग व्यायाम करते हुए तरह तरह के सपाट लगाते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि बुखार है तो हर दिन की अपेक्षा
थोड़ा कम ही सपाट लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर बुखार ज़्यादा हो सकता है और बाकी की दिनचर्या प्रभावित हो सकती हैं। दंड बैठक के साथ प्रयागराज संगम तट के क्षेत्र का जो व्यायाम है, दिनचर्या है, यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 17 एवं 18। अविनाशितु दद्विद्धि एनि सर्वमिदं ततम
विनाशमव्यय यस्याश्य न कश्चित्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य अस्योक्ता शरीरेण अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्य उद्भवस्य भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो, शोक न करो। धन्यवाद। कथा तो आज भगवान राम जी की कथा ही शुरू करते हैं। जैसा कि भगवान राम जी जब अयोध्या से निकल जाते हैं वनवास के लिए, और जब भरत जी को पता चलता है, और जब आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके भैया वन में चले गए हैं, तो वो प्रण लेते हैं कि नहीं, हमारे भैया जी का राज्य है और उनका सिंहासन है, वही राज करेंगे, हम तो उनके दास है, सेवक है। और भरत जी जो है निकल जाते हैं अपने भैया जी को मनाने के लिए, और जब वहां पे पहुंचते हैं तो बहुत अनुनय विनय करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम जी नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान राम जी साक्षात धर्म के अवतार थे और धर्म का पालन करते थे, और जो भरत जी थे वो भक्ति के अवतार थे। तो अब भक्ति जब धर्म के पास गई मनाने के लिए, तो उस समय धर्म भी डोल जाता भक्ति के प्रभाव से, लेकिन वहां पर जो है भगवान राम जी कुछ वचन देते हैं कि हम जो हमारा राज्य है, जो हमारा सिंहासन है, तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है, हम 14 वर्ष बाद आएंगे और पुनः हम उस सिंहासन पर बैठेंगे और हम राज्य करेंगे। तो इस बात को जब सुनते हैं भरत जी तो मानते हुए कहते हैं कि ठीक है, फिर आप अपना हमें चरण पादुका ही दे दीजिए, हम उसे स्थापित करेंगे और आपके चरण पादुका के मार्गदर्शन में ही हम पूरे राज्य को चलाएंगे। तो ये था भातृप्रेम, मतलब कि अगर भाई हमारा बड़ा भाई नहीं हो तो हम बड़े भाई के चरण पादुका को उस सिंहासन पर बैठा कर और अपने कार्य करते हुए उसके चरण पादुका के रूप में अपने भाई को मानकर हम मार्गदर्शन लेते हुए हम अपने राज्य को चला सकते हैं। और इसके उदाहरण थे भरत जी। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग महाकुंभ स्वच्छता अभियान के तहत त्रिवेणी घाट प्रयागराज संगम की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँच कर गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय हिंद। वंदे मातरम। जय गंगा मैया। तो आप लोगों से निवेदन है कि माता जी के तट पर कृपया करके पन्नी और भी जो भी कचड़े हैं उन्हें न फेंकें, क्योंकि हमारे स्वच्छ रहने से और ध्यान देने से ही माता जी स्वच्छ रह सकती हैं। धन्यवाद।